हेलो, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? आज यहाँ पर हम वूलन थ्रेड से मटकी डेकोरेट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे ली है ये रेड कलर की वूल, इस तरह की। ये गोल्डन कलर की मोती है, ये वाइट मोती है, और ये इस तरह की ब्लू बॉटल है, ये मटकी है। हमें मटकी के ऊपर ये देखिए ग्लू लगा के इस तरह से फूल को लगाना है। यहाँ पे ये फूल को नीचे से ऊपर की तरफ लगाते जाना है, इस तरह से। देखिए इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से यहाँ तक लगा के कट करेंगे। अभी यहाँ पे हमें ये ऊपर की बाजू से लगाते हैं, नीचे आना है। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से इसको लगाते रहेंगे। ये देखिए ऐसे बन जाएगी। अभी यहाँ पे हम ये मोतियों को धागे में लगा लेंगे, देखिए इसकी माला बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह। ऐसे बना के लेंगे। यहाँ पे ये नीचे की तरफ में एक मोती लगाएंगे धागे में, और एक गोल्डन और पांच व्हाइट मोती लगाने हैं इस तरह से। इसी तरह से इसको देखिए ऐसे बनेगा। इस तरह के धागे बना लेने हैं इस तरह से। यहाँ पे ये देखिए वूल के 6 थ्रेड लेके इसको चौकी तरह बना दे जाना है, देखिए इस तरह से। ऐसे ये लेस को बना लेना है। यहाँ पे ये जो हमने मोती लगा लिए है इसको इस तरह स्टिक करना है। ये देखिए यहाँ नीचे दो ये मोती की माला रहे इतनी जगह छोड़ के, ये देखिए इस तरह से स्टिक करते जाएंगे। इस तरह से पूरी मटकी में लगा लेंगे। देखिए इस तरह। अभी ये जो हमने देखिए इस तरह से बना लेंगे। ये वो हमने जो लेस बना ली है वूल की, उसको यहाँ पे इस तरह स्टिक करना है। यहाँ ऊपर भी स्टिक करेंगे इस तरह से। देखिए ऐसे बनेगा ये। इस तरह से भी यहाँ पे हमें ये जो माला बना ली है इसको स्टिक करना है। ये देखिए इसके 2 राउंड यहाँ पे स्टिक करने हैं। ये जो मोती लगाए हैं इसके ऊपर की साइड में इस तरह से ये माला स्टिक करेंगे। यहाँ पे ये देखिए कट करेंगे धागे को इस तरह से, ऐसे बन जाएगा।
अभी यहाँ पे ये धागे है, इसको कट करना है। सभी को कट करके लेंगे। इस तरह से ये बन जाएगा, ये देखिए ऐसे। अभी यहाँ पे हमें ये गोल्डन मोती लेके स्टिक करने हैं, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे ये व्हाइट मोती जो है, ये जो दो माला है, इसकी सेंटर में स्टिक करते जाना है इस तरह से। अभी ये गोल्डन मोती लेके नीचे इस तरह स्टिक करने हैं, ये देखिए इस तरह से नीचे की साइड में। और इस तरह से ये हमारी मटकी डेकोरेट हो गई है, देखिए फूल और मोतियों से कितनी खूबसूरत मटकी डेकोरेट हो गई है। कैसे लग रही है आपको?